बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें, और आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से मुझे वीडियोस बनाने में बहुत आसानी होगी। आज बात करूँगा रियल स्टेट सेक्टर की। पाकिस्तान की जो रियल स्टेट सेक्टर है ये तकरीबन 300 to 400 बिलियन डॉलर्स का पूरा इसका वर्थ है। जी हाँ, 300 to 400 बिलियन डॉलर की इसकी वर्थ है। बड़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो वो तकरीबन 2% है। कंस्ट्रक्शन क्योंकि जाहिर है लिमिटेड है, लेकिन ये रियल स्टेट सेक्टर ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके साथ कई लोगों के खानदानों के घरों के चूल्हे जलते हैं। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जब आप रियल स्टेट चलती है तो ऑब्वियसली इसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन की बारी आती है। कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कितनी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो ईंट से लेके सीमेंट से लेके बजरी से लेके छोटी छोटी चीज़ें, बिजली के स्विच, शीशे, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, तारें, तो पंखे, मतलब कई इंडस्ट्री हैं जो फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। एसी, शीशा, एल्युमिनियम और यू नेम इट, और वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। इतनी घर के साथ इतनी इंडस्ट्री एसोसिएटेड है। गरीब आदमी की रोजी भी उसके साथ है, मजदूर जो काम करता है वो भी उसके साथ है, जो कारीगर काम करते हैं उनकी रोजी भी उसके साथ है। तो इस वजह से ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 300 to 400 बिलियन डॉलर का मतलब ये है कि पाकिस्तान की रियल स्टेट सेक्टर बड़ा स्टेबल सेक्टर है। इसको सिर्फ पेम्पर्ड करने की जरूरत है और ये मजीद फ्लोरिश कर सकता है। बाहर से इन्वेस्टर्स आने को तैयार हैं पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने में। पाकिस्तानी एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी आने को तैयार हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालांकि ये वो टाइम है, वो दुबई में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कनाडा में भी कर सकते हैं। दुबई के अंदर 2% सेलर को देना पड़ता है, 2% परचेजर को देना पड़ता है। कनाडा में 1% सेलर को देना पड़ता है, 1% परचेजर को देना पड़ता है। यूके में भी इसी तरह का हिसाब है। दुनिया के अंदर एक सिस्टम बना लो, हम पाकिस्तान के अंदर रह के उससे ज्यादा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। IMF और वर्ल्ड बैंक को जो लोग पोजीशन पे बैठे हैं, हेम ऑफ द फेयर बैठे हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि ये रियल स्टेट सेक्टर के अंदर ब्लैक मनी का इतना काम नहीं है। ये वो लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं। ब्लैक मनी के लिए तो आप जितना मर्जी एक्सपेंसिव कर दें ट्रांसफर को, आप 30 लाख की कर दें, उन्होंने तो अपने पैसे को ब्लैक को वाइट करना है। वो तो 30 लाख का भी खरीद के उसके ऊपर बैठे रहेंगे 10 साल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे हैव द पावर कि वो उसके ऊपर बड़े आराम से 10 ईयर्स भी गुजार दें, 15 ईयर्स गुजार दें, क्योंकि उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट करना होता है। आम आदमी के लिए प्रॉब्लम। आप अगर प्राइसेस को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, आज हमारे यहाँ तकरीबन पाकिस्तान में एक केनाल का प्लॉट, यानी कि 500 गज का प्लॉट मैं लगा रहा हूँ, अगर आप लाहौर की बात करते हैं, मैं एक मीडियम लेवल पे कर रहा हूँ, ना मैं हाई कर रहा हूँ ना नीचे कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए का। सेम गोज फॉर कराची। अगर आप कराची में जाते हैं, कराची अगर हाई एंड पे जाते हैं, वो तो खैर 18-18 करोड़ और 16-16 करोड़ के भी हैं 500 गज के, लेकिन अगर आप एक एवरेज लेवल लगा लीजिए तो उधर तकरीबन 6-7 करोड़ 8 करोड़। इस्लामाबाद के अंदर आते हैं तो अगेन यही सिनेरियो है। कराची वाला इस्लामाबाद के अंदर महंगे भी हैं और फिर नॉर्मल रेंज के अंदर भी अवेलेबल। तो एक आम आदमी अपना घर बना सकता है अगर वो थोड़ी कोशिश करता है। इंपॉर्टेंट चीज, स्टेटिस्टिकल डाटा से बात कर रहा हूं, 75% ऑफ द पाकिस्तानीज उनका अपना घर है। जी हाँ, 75% का अपना घर है, 25% रेंट पे रहते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह ताला की ये नेमत है कि हम अपनी छत के नीचे रहते हैं, अपना घर होता है। होता है इस तरह से कि अगर किसी वालिद ने घर खरीदा तो उसके अंदर तमाम बच्चे रह रहे हैं, इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, और उनकी अपनी छत है। इसको कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ी मसले हैं वो यही हैं कि आपको हर चीज़ मॉर्गेज पे लेनी पड़ती है, घर भी मॉर्गेज पे लेना पड़ता है, चीज़ें मॉर्गेज पे लेनी पड़ती हैं। जैसे ही आपका बिजनेस डाउन हुआ या नौकरी निकल गई, वो घर उसी वक्त कन्फिस्केट कर लेता है बैंक, उसको ऑक्शन पर लगा देता है और उन लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। यही वजह है उनकी फैमिली का सारा तिया पांचा हो जाता है। बीवी कहीं चली जाती है, खामन कहीं चला जाता है, बच्चे कहीं चले जाते हैं, उनका शराजा ही बिखर जाता है। पाकिस्तान के अंदर IMF की यही कोशिश है, यही लॉ पाकिस्तान के अंदर लाया जाए कि जो बंदा इंस्टॉलमेंट बैंक ही नहीं दे पाएगा, बैंक कन्फिस्केट करेगा और उसी वक्त उसको ऑक्शन पे लगा देगा। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसकी परमिशन दे दी है।
गवर्नमेंट को उसके ऊपर बड़ा रिकंसिडर करना चाहिए अपने डिसीजन के ऊपर। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हमारे यहाँ फैमिली सेटअप ऐसा है कि एक एक घर के अंदर अगर वालिद ने वो घर खरीदा हुआ है तो उसी में सारे बेटे बच्ची बेटे सब रह रहे हैं और फिर उनको किराया नहीं देना पड़ता। किराया ना देने से छत अपनी होने से उनको बहुत फायदा है। उनको अपनी चीज़ों का हर चीज़ का उनको पता है कि ये घर हमारा है, हम इस घर के अंदर हम जाके कुछ भी कर सकते हैं। ओवरऑल अब अगर मैं बात करूं, ये तो आ गई बात इस चीज़ की घर के सिनेरियो की। रियल स्टेट सेक्टर की तरफ हम दोबारा आते हैं। गवर्नमेंट ने अभी अनरियलिस्टिक किस्म की एफबीआर रेट्स डिफाइन किए हैं और गवर्नमेंट को खुद भी पता है कि वो अनरियलिस्टिक हैं। जिस प्रॉपर्टी की वर्थ ही तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ है उसके ऊपर अगर आप 5 करोड़ रुपया उसका टैक्स कर देंगे या उसकी वैल्यूएशन कर देंगे 3.5 करोड़ रुपए की या उसकी वैल्यूएशन कर देंगे 4.5 करोड़ रुपए की, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे। आप ये बिल्कुल ही नॉन जस्टिफाइड किस्म की अनजस्टिफाइड किस्म की आप चीज कर रहे हैं जिसको किसी भी तरीके से लॉजिकली प्रूव ही नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट को अपना डिसीजन ये वापस लेना चाहिए। या फिर अब मेरा ये ख्याल है कि जो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको चाहिए इसके खिलाफ कोर्ट में चले जाएं कि ये तो जस्टिफाइड रेट ही नहीं है। एक चीज जब जस्टिफाइड ही नहीं है तो उसके ऊपर से फिर उस तरह टैक्स देना तो बिल्कुल ही नाजायज है। तो ये दोनों चीजें कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं मैं जानता हूं भारत के अंदर, भारत में एक आम फ्लैट इस टाइम 15 से 20 करोड़ रुपए का बिक रहा है, आम अपार्टमेंट। आप अफगानिस्तान को तो खैर एक चेंज सिनेरियो हो गया। आप श्रीलंका के अंदर चले जाइए, श्रीलंका के अंदर तकरीबन कोई रेट एक, मैं वही 500 गज को कंपेयर कर रहा हूँ, उसी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी को उधर की अच्छी सोसाइटी कंपेयर कर रहा हूँ, तो उधर की तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपए का रेट है। आप बांग्लादेश के अंदर चले जाइए, बांग्लादेश के अंदर भी तकरीबन कोई 12 करोड़ 10 करोड़ का रेट है, अच्छी सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप खित्ते में भी कंपेयर करें तो पाकिस्तान के रेट अभी भी उनसे कम है। पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट सेक्टर में अभी भी फ्लोरिश करने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान की रियल स्टेट सेक्टर के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। इस सेक्टर को अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री का दर्जा दे देती है और बैंक के साथ इसको लिंक अप कर देती है तो इससे ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा बल्कि ओवरऑल पाकिस्तानी इकॉनमी को फायदा होगा। बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, बैंक को लोन देके उसके किस्तें वसूल करने में आसानी होगी, बैंक को पता होगा कि हमें इस सेक्टर के अंदर से इतनी किस्तें वापस मिल रही हैं। जब बैंक ग्रो करेंगे तो इकॉनमी ग्रो करेगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और जिस टाइम पर मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर तो ऑब्वियसली इतने लोगों का रोजगार है, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए तो पाकिस्तान के अंदर तो गुर्बत पहले ही बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर कोविड की वजह से भी हिट हुआ है, वैसे भी इकॉनमी बहुत हिट हुई है और रिसेशन बहुत ज्यादा आई है हमारे मुल्क के अंदर। तो इस सेक्टर को गवर्नमेंट को हर सूरत डिफेंड करना चाहिए। गवर्नमेंट के जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे हैं उनको सोचना चाहिए क्योंकि वो खुद मल्टी ट्रिलियनर है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने इस सेक्टर को डिफेंड ना किया सही प्रॉपर तरीके से तो पाकिस्तान की इकॉनमी और नीचे चली जाएगी। और आपने जो GDP ग्रोथ का सोचा हुआ है कि हमारी इस साल ज्यादा होगी, वो ज्यादा नहीं होगी। खान साहब का अपना विजन है कि हर पाकिस्तानी को घर होना चाहिए। आपने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था PTI ने कि हम 50 लाख घर बना के देंगे। खान साहब उस तरफ आपने तो कोशिश नहीं की लेकिन लोग जरूर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जरूर हो रही है। आप जरा सेक्टर में देखिए, डेवलपमेंट जरूर हो रही है। आज स्टील का रेट बढ़ गया, हालांकि उस पर चेक होना चाहिए था, हाईएस्ट स्टील का रेट हो चुका है। सीमेंट का रेट बढ़ गया, हाईएस्ट हो चुका है, इस पर चेक होना चाहिए था, सीमेंट के ऊपर कोई चेक नहीं। सेम गोज फॉर एवरीथिंग, हर चीज कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का रेट बढ़ गया लेकिन फिर भी लोगों का रोजगार लगा हुआ है। तो हमें IMF को और वर्ल्ड बैंक को समझाना चाहिए कि ये वो सेक्टर नहीं है जिसके अंदर आप इस तरह की मदाखलत करेंगे कि ये ब्लैक मनी आपने देखनी है तो आप जरा थोड़ा सा आप भारत में चले जाइए, उधर जाके आप देखिए उधर रियल स्टेट सेक्टर का क्या हाल है। आपको आइडिया हो जाएगा उधर के रेट्स का और पाकिस्तान के रेट्स का कि ब्लैक मनी कहते किसको है, फिर आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।